हम आए हैं ईंटे भट्टे में, अपने लाइफ में हम पहली बार आए हैं ईंटे भट्टे में, जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कैसे ईंटा पकता है, कैसे वो कहाँ पे पकता है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा वर्कर है जो काम करते हैं, आप देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा है। चाचा हाय बोल दो। हाय। तो चाचा यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? दो या तीन रोज से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप नए हैं क्या? नए। चलिए ठीक है। चाचा कैसा लगा आपको ब्लॉग? ब्लॉग ठीक लगता है। चलिए थैंक यू आपका। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ, वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा इधर है। देखिए ये ईंटा का चिन मिल है, देख सकते हैं कितना बड़ा है गाइस, देख सकते हैं। मुझे यहाँ आने के लिए लगभग आधा घंटा लगा है, देख सकते हैं आप इतना कितना वर्कर काम कर रहा है इधर, देख सकते हैं वर्कर सब इधर, पूरा ईंटा ही ईंटा है देख सकते हैं इधर। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना फ्रेंड, और प्यार बरसाना। देख सकते हैं पूरा ईंटा ही ईंटा है, देख सकते हैं आप, पूरा ईंटा ईंटा है देख सकते हैं। ये पूरा इधर ईंटा ही बनता है, ये बारिश की वजह से अभी ईंटा उठा जो पाथता है ना, जो वो माटी से वो करता है, वो अभी नहीं हो रहा है इधर, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है। सिर्फ यहाँ पे ईंटा वो जो पकाता है बस, जो पहले से तैयार है उसी को पका कर और ये क्या करता है, सेल करता है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे लोकेशन पर लेके जाऊँ, अच्छे से अच्छे व्यू पर आप लोग लेके जाऊँ। पीछे जो देख रहे हैं आप घर, इसमें वर्कर लोग काम करके रहता है, रात को सोता है इसमें, है खाना पीना इसमें खाता है, ठीक है गाइस। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको और भी चलते हैं आगे लेकर। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ये झरना वगैरह है, देख सकते हैं ढेंग है, ये सबसे वो क्या कहता है कि उसमें लगाने के बाद आग जलाता है, आप समझ सकते हैं गाइस। मैं आप लोगों को आज यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर का जो ये साउजी है, मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यू कराता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ का, समझ लीजिए कर्मचारी है ये। तो चाचा कैसा चल रहा है इधर काम अभी? अभी तो लेबर सब चला गया। हाँ हाँ, जो काम है अच्छा चल रहा है। चाचा ये जो मतलब ईंटा वाला पकता है, वो कहाँ पे पकता है? तो गोल घर में पकता है। गोल घर में? अच्छा अच्छा, हमको दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं कि? तो चलिए, तो चलिए देखिए। तो बने रहिए गाइस, चलते हैं आपको दिखाने के लिए। देख सकते हैं गाइस इधर रास्ता है, देख सकते हैं। तो ये क्या है? गोलघर है, यही गोलघर है ना। हाँ। तो देख सकते हैं कितना बड़ा है, यहाँ पे ईंटा उटा पकता है, देख सकते हैं ईंटा भट्टा बोलता है इसको। और ये जो चिलमिल है, इसमें से धुआं हुआ निकलता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो फ्रेंड आपका नाम क्या है? प्रमोद मुखिया। प्रमोद मुखिया, ओ नाइस नेम। तो चाचा वो जो क्या है वो लकड़ी बोलने वाला ईंटा पकने के लिए। अच्छा, ईंटा पकने के लिए ना। अच्छा यार, बहुत अच्छा है, ऐसे पकता है ना? ऐसा ही पकता है। हाँ, मुझे तो अच्छा लगा। तो चाचा और भैया, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरा हेल्प किया। तो आपका कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो आप लोग मुझे ऐसा ही सपोर्ट करना, आप लोग भी। और प्लीज़ गाइस, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग फुल सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ अच्छे लोकेशन के साथ। बाय बाय।